मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सभी के ध्यान में है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार पिछले कुछ एक दो महीनों में कई वारदातें हुई, जिसमें कि रात में शटर को तोड़ करके, शटर को उठा करके एक पर्टिकुलर सामान सा दिखने वाला चोर बार बार वारदातें करता रहा, जिसके लिए व्यापारी संगठन भी मेरे पास आए थे, मिले थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह की वारदातें हो रही हैं और CCTV फुटेज भी आ रहा है, पर व्यक्ति नहीं मिल पा रहा। CCTV फुटेज शुरुआत में बहुत साफ नहीं थे, लेकिन उसको ट्रैक करते करते हमारे पास में ठीक ठाक फुटेज आ गई थी और उससे वो व्यक्ति जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है पवन कुमार मीणा, जो कि 2005 से ही लगातार चोरी की वारदातें कर रहा है। मई 2019 में ये जयपुर जेल से छूटा है। पहले जयपुर में इसने बहुत सारी वारदातें की हुई हैं, लगातार वारदातें वहाँ पर करता रहा है, पर वहाँ की वारदातों में पकड़े जाने के बाद में जब ये जेल से छूटा तो उसने इस बार अपना ठिकाना बदलने के पर्पज़ से अजमेर में वारदातें शुरू की और अजमेर की वारदात करके ये वापस लौट जाता था अपने गाँव के लिए। ये मूलतः रहने वाला MP का है, अजमेर में पहले वारदातें कर चुका है। हमारे यहाँ पर अगर हम कोतवाली क्षेत्र की बात करें, जो कि यहाँ पर इसने वारदातें की हैं, कुल 5 वारदातें अलग अलग दुकानों में ये कर चुका है पिछले 2-3 महीनों में। नॉर्मली ये हुलिया नहीं बदलता है, पर कभी अपना चेहरा ढक लेता है, कभी बिना चेहरा ढके ही वारदात करता है। इसका पैटर्न ये रहता है कि दिन में जो भी इस तरह के बाज़ार हैं जहाँ पर की भीड़ भाड़ रहती है, लोगों का काफ़ी मूवमेंट रहता है, वहाँ पर दिन में ही ये इस चीज़ को चेक कर लेता है कि कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पर कि इस प्रकार की दुकानें हैं जिसमें कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि किनारे वाले लॉक्स को, शटर को तिरछा करके तोड़ना आसान होता है, निकालना आसान होता है। तो ये हमेशा उस तरह की दुकानों को टारगेट करता है जहाँ पर कि इसको ये नज़र आ रहा हो कि सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, और उनमें अगर रात में थोड़ा प्रयास करेगा तो आसानी से शटर को ऊपर उठाया जा सकता है। इस तरह की दुकानों को टारगेट करते हुए इसने ये 5 वारदातें की।